राम मंदिर में स्थापना के लिए मैसूर से आएगी मूर्ति। 18 जनवरी को गर्भगृह में स्थापित किए जाएंगे रामलला। प्रतिमा में दिखाया गया है 5 वर्षीय बालक का स्वरूप। मैसूर के योगी राज का कमाल, कमल के ऊपर बैठाए श्री राम। अरुण योगीराज मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है। केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। शायद आप सोच नहीं सकते, उसने 15-15 दिन 20 दिन फोन अपने पास नहीं रखा, अपने बच्चों से बात नहीं की, इतना एकाग्र होकर किया। उसकी मूर्ति का चयन किया गया है और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रशंसा की। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का बेसब्री से इंतजार कर रहे राम भक्तों के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में लगने वाली राम लला की प्रतिमा फाइनल कर दी गई है। राम मंदिर आंदोलन से सालों से जुड़े और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर में स्थापना के लिए मैसूर के अरुण योगीराज की बनाई गई राम लला की मूर्ति को चुना गया है। इस मूर्ति को 18 जनवरी को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ पर गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। सामने आई जानकारी के अनुसार मैसूर के अरुण योगीराज की इस प्रतिमा में राम लला का 5 वर्षीय बालक का स्वरूप दिखाया गया है। इसमें राम लला कमल के ऊपर बैठे हैं। ये पूरी प्रतिमा श्यामल वर्ण की है, जिसमें राम लला की आभा मंडल पर विष्णु के दशावतारों का विवरण दिया गया है। चंपत राय ने कहा कि 22 जनवरी को अयोध्या धाम में अपने भव्य मंदिर में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम और पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू हो जाएगी, जबकि जिस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जानी है उसे 18 जनवरी को गर्भगृह में अपने आसन पर स्थापित कर दिया जाएगा। अरुण योगीराज मैसूर निवासी, अनेक पीढ़ियों से जिसके परिवार में मूर्ति निर्माण का कार्य चलता है, मेरी जानकारी के अनुसार केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा उसी नौजवान ने बनाई है। बहुत कम उम्र का है, 40-45 से ज्यादा नहीं लगता मुझे, और सभी लोगों ने उसकी मूर्ति की प्रशंसा की। सभी का अर्थ है उपस्थित कम से कम 11 ट्रस्टियों ने। चंपत राय के मुताबिक 22 जनवरी को पौष शुक्ल द्वादशी अभिजीत मुहूर्त के दोपहर 12:20 पर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंदिर 20 और 21 जनवरी को बंद रहेगा और लोग 23 जनवरी से फिर से भगवान के दर्शन कर सकेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की जानकारी देते हुए चंपत राय ने बताया कि कार्यक्रम से जुड़ी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। प्राण प्रतिष्ठा दोपहर 12:20 पर शुरू होगी। प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त वाराणसी के पुजारी श्रद्धेय गणेश्वर शास्त्री ने निर्धारित किया है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कर्मकांड की संपूर्ण विधि वाराणसी के ही लक्ष्मीकांत दीक्षित से कराई जाएगी। पूजन विधि 16 जनवरी से शुरू होकर 21 जनवरी तक चलेगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूनतम आवश्यक गतिविधियां आयोजित होंगी। उन्होंने कहा कि राम लला की मौजूदा मूर्ति जो कि 1950 से वहां है, उसे भी नए मंदिर के गर्भगृह में रखा जाएगा। राय की माने तो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर गर्भगृह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस के सर संचालक मोहन भागवत, यूपी की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल, राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास उपस्थित रहेंगे। इनके अलावा करीब 4000 साधु संत और करीब 3000 वीवीआईपी लोग इस उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।